हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और अभी देखो सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आज मैं जल्दी जग चुका हूँ। आज की नींद तो आनी है अभी, तो अभी मैं जग के ग्रीन टी बना रहा हूँ। और सुबह सुबह जगने में कितना मज़ा आता है। आज सुबह जल्दी जगे हैं तो पक्षियाँ चहक रहे हैं बाहर और अखबार भी आने वाला है। तो अभी ग्रीन टी बना लेता हूँ और ऊपर जाऊँगा ग्रीन टी लेके। और सुबह सुबह जो पक्षियों की आवाज़ आती है बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर क्या है कि थोड़ी ग्रीनरी है, तो पास में यहाँ पर नवोदय विद्यालय भी है, उसमें काफ़ी सारे पेड़ हैं। तो सुबह सुबह क्या है कि पक्षी आते हैं और उनकी चह 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 आती है, तो मन को क्या काफ़ी शांति मिलती है इससे। आप ब्लॉग में जुड़े रहें, ग्रीन टी पीनी है वो आ सकता है। आज मैं चाय नहीं बना रहा हूँ और मैडम और बच्चे तो अभी सो रहे हैं, उनको जगाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये देखिए बच्चे को सो रहा है एकदम मस्त, ये लेट तक सोता रहता है, रात को लेट तक जगता है। ये दोस्तों हो चुकी है ग्रीन टी रेडी और अखबार भी आ चुका है, और ग्रीन टी पीते हैं अखबार पढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों सुबह का सूरज निकलने को है और पक्षी इधर से उधर जा रहे हैं, क्या शानदार लग रहा है। और गांव में तो और भी अच्छा लगेगा ये, क्योंकि वहाँ चारों तरफ खुले खुले खेत होते हैं। और ये उधर नवोदय स्कूल की बाउंड्री है और उसका मैदान है। ये देखो घंटी बज चुकी है बच्चों की। अभी ये देखो बिट्टू जग चुका है, इसकी भी मॉर्निंग हो चुकी है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गई आपकी भी है ना, आपकी भी मॉर्निंग हो गई। अभी तो ये नींद के नशे में है ना, नींद के नशे में। अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ छत पे, नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ और मैडम ने बनाए हैं गर्मा गर्म पोए, इनका ब्रेकफास्ट चल रहा है। और यार बच्चा भी बैठा हुआ है, इसके लिए बनाई है मैडम ने स्पेशल राबड़ी बाजरे की, और उसमें दूध मिक्स किया हुआ है, तो दूध राबड़ी बच्चा खा रहा है देखो। ये देखो मैडम पूजा करने लग रही है, बाहर दिया लगाने जा रही हूं। हाँ तुलसी के। हे गाइस गुड इवनिंग, और अभी टाइम हो चुका है शाम के 6:30, और अभी मैं ऑफिस से आया हूँ। आजकल तो 6:30 बजे काफ़ी अंधेरा हो जाता है, जैसे ही मैं आता हूँ रास्ते में ऐसा लगता है सुनसान में अकेला ही चल रहा हूँ, बहुत कम साधन मिलते हैं। और बच्चे को देखो एज यूजुअल खेल रहा है। हेलो कर दो एक बार सभी यूट्यूब फैमिली को, हेलो कर दो, हेलो कर दो। अभी ये जैसे ही मैं आया था तो मेरे आते ही चिल्लाने लग गया जोर जोर, खुश हो जाता है हमेशा की तरह देख के। और दिन में भी मैंने इससे आज बात करी थी, तो दिन में भी बोल रहा था हाँ हूँ, ऐसे बोलने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है। और अभी इसका बर्थडे भी आने वाला है, पूरा 1 साल का हो जाएगा ये। 2 दिन बाद इसका 22 को बर्थडे रहेगा, फर्स्ट बर्थडे। और मैडम उधर क्या कर रही है, मैडम कैसे मिलाते हैं आपको। ये देखिए मैडम हमेशा की तरह किचन में लगी हुई काम में। हे माय फैमिली, आज मैं बना रही हूँ तो ये देखो आमले का अचार बनाया बिल्कुल एकदम कड़ाई भर के। और क्या बनाया? और हाँ फ्राइड राइस विद वेज मंचूरियन स्पेशल इनकी डिमांड। हाँ हाँ मुझे बोला था कि बोले यार है ना बहुत दिनों से है ना मंचूरियन और फ्राइड राइस नहीं खाया, तो मैंने ठीक है चलो मैंने कल मैं बना दिया एकदम से। मैं क्या है कि नहीं बना सकती मैं ना एकदम से, मुझे शॉर्ट नोटिस में नहीं बना सकती मैं, ठीक है मैंने कल बनाया जाएगा। तो क्योंकि हमारे यहाँ लाइट भी चली जाती है तो इसलिए टाइम से सारा काम करना होता है, तो ये दिन में मैंने पूरे से अचार की तैयारी कर ली थी। तैयारी है मतलब ऑलमोस्ट मैंने शाम को 6 बजे तक फ्री हो गई थी, मैं डन हो गया था ये तो अचार तो। और फाइनली मैंने शादी के बाद में आम का अचार तो पहली बार ही बनाया है अकेले इंडिपेंडेंटली। हाँ ये सही है।
और मुझे तो मतलब आंवले का अचार खाना तो बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, और ये फायदेमंद भी बहुत ज्यादा होता है ना इसलिए। हाँ, मैं तो पहली बार खाऊंगा ये। हाँ, और अभी तो बहुत सारे आंवले बचे हैं, तो उसका आंवले का मुरब्बा बनाना है, उसकी कैंडी भी बनानी है, उसका आंवले का पाउडर भी बनाना है। ऐसे इतने सारे आंवले मैंने चार चीजें सारी चीजें इतने सारे मैंने आंवले से चार चीजें सोची थी, तो उसमें से फर्स्ट बनी है, अभी तीन रिमेनिंग है, अब देखो कौन कौन सी बनती है। वैसे बच्चे के लिए मैं मुरब्बे का मुरब्बा बनाऊंगी ताकि बच्चा भी बच्चा खा पाए। हाँ, मुरब्बा तो खा लेगा, सही रहे। हाँ, मुरब्बा हेल्दी भी रहता है। और ये देखो बिल्कुल पैरों में आ गया है बच्चा, बताया कि मैं भी हूँ भाई, मुझे भी ले लो ब्लॉग में। अभी इसको अंडरवियर पहनानी पड़ेगी, नंगा घूम रहा है। क्या करें, ये पता है ना इसको डायपर में इसको सही नहीं लगता है, और सुसु कर करता बार बार ये। तो चलो अभी कुछ खा लेते हैं, गर्मा गर्म मंचूरियन जो मैडम ने बनाया है। फ्राइड राइस। हां, डॉक्टर ने मना कर रखा है इन चीजों के लिए, बट तब भी मैं खाती हूं। तो खाना कुछ नहीं ज्यादा, पर सर्दियों में तो वैसे ही सब पच जाता है। हां, तो बॉडी पचा लेती है, कोई नहीं फिर ये झेल लेंगे, तो बता रात में हुई फिर बट वो ब्लॉग में नहीं आएगी। हां, उसका ब्लॉग बना नहीं सकते। हां, उसका ब्लॉग अगर आप देख लो तो तड़प जाओ, आपको आपको तड़प जाओगे उसको देख के। और आपको दिखाएंगे कैसे बोलता है। इसको पता लग जाता है जैसे मेरा वीडियो बन रहा है तो चुप हो जाता है और अपनी मर्जी से बोलता है। दिन में अपने पापा से बात करी, इतना सीरियसली फोन ऐसे लगा के पूरा सीरियसली बात कर रहा है, वैसे जब समझदार बात करते हैं ना वैसे। अभी देखो पैरों के बीच में घुस रहा है, पैरों के बीच में जगह उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है नीचे। इसको हमने गोदी में ले लिया, अभी अब ये खुश हो गया। अभी सही लग रहा है आपको? हां जी, बताओ। हंसो, स्माइल, क्या हुआ? स्माइल प्लीज। तो अभी तो आने के लिए इसमें रो रहे थे। हां, फिर क्या हुआ? ये आपने डिफरेंट चीज पहनी है ना, इसको नोटिस कर रहा है, इसको देख रहा है कि आज मम्मा के हाथ में क्या है। इसको देख रहा है, तो इसको कोई भी नई चीज दिख जाती है तो उसको तरफ आकर्षित हो जाता है, उसको देखता रहता है। अभी देखो, अब इसी से खेलेगा। मेरी चूड़ी से भी खेलते ही रहता है। तो अभी चलो कुछ मंचूरियन वगैरह खा लेते हैं गर्मा गर्म, ब्लॉग में जुड़े रहे। ये दोस्तों आंवले का अचार जो मैडम ने बनाया, और इधर ये बच्चू, अरे मैडम इसको खिलाने लग रही है राबड़ी। ये नाटक कर रहा है, दूर दूर भाग रहा है। नहीं, राबड़ी नहीं, साबुदाने की है। अच्छा, खीर है क्या? मुझे लग रहा राबड़ी है। ये दूर दूर भाग रहा है बेटा। अब आ गया नजदीक। लो खाओ, खा लो, खा लो, खा लो। अब कैमरा बंद कर लेता हूँ, कैमरे के सामने खाएगा नहीं, नाटक करता है। तो दोस्तों अभी हमारा खाना बन चुका है, खाना खाते हैं, सोते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।